वेरी गुड आफ्टरनून टू ऑल ऑफ यू छोटे बड़े सारा प्यार बड़ा को फैल पाना जी। गाइस टाइम हो रहा है 2:30 और मैं बिल्कुल नहा धो के रेडी आपको मिल रही हूँ। बाल बाल थोड़े गीले हैं अभी और मैं जा रही हूँ अपने ब्रदर के यहाँ पे 2 दिन रहने। शादी के 25 साल बाद आज पहली बार मैं अपने ब्रदर के घर अकेले रहने जा रही हूँ 2 दिन के लिए। कैन यू बिलीव, मैं आपको कल ही कह रही थी कि मेरा कहीं बाहर घूमने फिरने का बड़ा मन हो रहा है, बट घूमने फिरने तो मैं ऐसा जा नहीं सकती, तो बस कुछ ऐसा मौका लग गया कि मुझे 2 दिन के लिए जाने का मौका लग गया, तो मैं बस 2 दिन के लिए जा रही हूँ। और ट्यूशन भी 2 दिन ऑफ कर दी क्योंकि बच्चे बहुत कम है, चार पाँच आ रहे हैं, अभी सब छुट्टी पे चल रहे हैं, तो मैंने कहा चलो अभी छुट्टी हो, मैं 2 दिन की छुट्टी मैं भी ले लेती हूँ। तो अब वहाँ जाऊँगी, वहाँ पर वाईफाई वगैरह सब है तो कोई ऐसी प्रॉब्लम नहीं है, ब्लॉग बनते रहेंगे साथ साथ, तो ब्लॉग तो बंद हम करेंगे नहीं, तो जो बनेगा जो करेंगे, बच्चे होंगे वहाँ पे, बुजो होगा वहाँ पे, जो करते जाएंगे वो दिखाते जाएंगे, कुछ नहीं करेंगे तो फिर कुछ नहीं दिखाएंगे। तो चलिए गाइस, अभी बेटा गया ऑटो लेने, खाना वाना सबका बना पड़ा है, बाकी ये लोग अब बड़े हैं, समझदार हैं, मैच्योर हो गए हैं, इंडिपेंडेंट हो गए हैं, तो अच्छा है ना, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी समझते हैं। और अभी ऐसा सच मेरी कोई इतनी नीड है नहीं तो मैं जा सकती हूँ बाहर, कोई ऐसी प्रॉब्लम वाली बात नहीं, इतना टाइम निकाल के कहीं नहीं गए, अब समझदार हो गए हैं बहुत ज़्यादा, तो हम जा सकते हैं। तो चलिए गाइस जाती हूँ मैं अपने ब्रदर के यहाँ और 2 दिन लगाकर आराम से माइंड रिलैक्स करके आती हूँ। गाइस ये देखिए ऑटो में बैठ के मैं चल रही हूँ और मेरे साथ ये भी चल रहा है क्योंकि मैं इसको घर पर अकेला नहीं छोड़ सकती, किसी के हाथ से खाना नहीं खाता, तो मैं इसको साथ ही लेकर जा रही हूँ और घर जाकर आपको। गाइस मैं अपने ब्रदर के घर पहुँच गई हूँ और ये बैठा सब्जी है। हेलो गाइस, ठीक है बात हो गया, और बड़ा थकना पड़ गया, मुझे लग रहा है कि मुझे शाम तक वापस जाना पड़ेगा, भाई भाभी से मिलकर ही जाऊँगी, लेकिन चक्कर ये पड़ गया है कि ब्रूनो ऊपर नहीं आ रहा क्योंकि इनका डॉगी, मैं आपको दिखाती हूँ, बहुत बड़ा है बूजी, और वो शायद डर रहा है या घबरा रहा है, आई डोंट नो, क्योंकि कभी वो इतने बड़े बड़े डॉगी से इतना फेस टू फेस मिला नहीं है। तो मैं अभी उसको नीचे खाना खिलाकर आई हूँ, पंखा उसके लिए लगा दिया, मैं आपको दिखाती हूँ, और वो ऊपर नहीं आ रहा, तो मैं उसको ऐसे नीचे तो छोड़ नहीं सकती पूरी रात के लिए, तो अगर वो नहीं आया ऊपर तो फिर मैं शाम तक वापस जाऊँगी, जैसे भी हो, चलो थोड़ी देर के लिए इसे आए तो सही। और ये देखो हमारा बूजी गाइस, ये देखिए जहाज कूलर के सामने कैसे बैठा हुआ है, आप देख रहे हैं, ये देखो गाइस, ये देखिए मैं नीचे जा रही हूँ और मैं आपको दिखाती हूँ कि मेरा ब्रूनो कहाँ है, वो देखो, वो दिखा आपको मेरा ब्रूनो, ये देखो, इसको अभी रोटी खिला के मैं ऊपर गई हूँ कि पानी पी लूँ, क्योंकि ये ऊपर आ ही नहीं रहा, तो बस सीढ़ी पे यहाँ तक चढ़ रहा है और इसको बूजों की आवाज़ आती है तो ये वापस हो जाता है, तो इसके लिए मैंने अभी यहाँ पे, क्योंकि सेफ है वैसे तो कोई डर वाली बात नहीं है, गेट वेट सब बंद है, तो इसके लिए पानी का बाउल ये रखा और ये देखिए टेबल फैन लगा दिया और मैं भी इसके साथ यहीं बैठ गई थी अभी ऐसे। गाइस ये देखिए इसके साथ मैं ज़मीन पर बैठ गई थी, यहाँ पे आराम से पंखा लगा दिया क्योंकि ऊपर नहीं आ रहा और गर्मी बहुत ज़्यादा है, तो मैं इसको ऐसे अकेला नहीं छोड़ सकती, जो इसके चक्कर में ही मैं इसको यहाँ लेकर आई हूँ, हाथ से इसको रोटी खिलाई और उसने खा ली, तो अब यह है कि पंखा लगा हुआ है, शाम तक रुक जाएगा नीचे, ऊपर तो आ नहीं रहा, तो अगर ऊपर नहीं आया तो मैं रात को इसको अकेला छोड़ नहीं सकती, फिर मैं शाम को कैब या ऑटो जैसे भी होगा करके वापस ला दूँगी घर, मन तो बड़ा था मेरा 2 दिन रुकने का, बट अब मैं इसको ऐसे कैसे छोड़ दूँगी। इसका ध्यान ना सारा ऊपर की तरफ है कि मैं कहाँ आ गया हूँ, कहाँ आ गया तू ब्रूनो, कहाँ आया इसी, वो देख बूजी, वो देखो वो बूजो ऊपर से आँख रहे हैं, हाँ देख रहे हो, वो देखो वो उसकी आँखें दिख रही होंगी आपको, ये ऊपर से चैनल से झाँक रहा है और ये नीचे यहाँ पे ऊपर ही नहीं जा रहा। गाइस मैं अभी ऊपर से वापस नीचे आई हूँ क्योंकि ये सोया नहीं है घर पर, तो आप देखते हैं कि ब्रूनो सारा दिन सोया रहता है, मेरा ब्रदर मैं भाभी को लेने गया उसके ऑफिस के साइड से, तो मैं नीचे आई हूँ और ये बिल्कुल नहीं सुना है, इसका ध्यान ना ऊपर ही है कि मैं ऊपर क्या कर रही हूँ और नीचे मेरे पास क्यों लिए, मुझे किसी अलग जगह पर क्यों ले आई है, तो बड़ा बेचैन हो रहा है, तो पता नहीं मैं रात को यहाँ रुक पाती हूँ या नहीं, और अभी मैं नीचे आई हूँ, आके मैंने वापस सारा थोड़ा सा साफ किया, गीला गीला करके, फर्श काफ़ी कहता क्योंकि बंद है, धूप वगैरह नहीं आती, पंखा नॉन स्टॉप चल रहा है, जैसे ही मैं यहाँ पर सीढ़ी में बैठी हूँ कि मेरे पास ही आगे बैठ गए, गाइस देखिए मैं आगे बैठी ना, मेरे पैरों में आ गया, चला जा हम यहाँ बैठते हैं, चलो यहाँ पंखे की हवा है ना, हम इधर बैठे, आओ ये तो कोई फैन चल रहा है ना, हम यहाँ बैठते हैं आप जी, अभी और ठंडा ठंडा हो गया, चलो यहाँ बैठो, शाबाश बैठो, सिट सिट, देखो ये अब बैठेगा यहाँ पे मेरे साथ कि अभी आ गई तो मैं बैठ जाऊँ, और आज बिल्कुल एक सेकेंड नहीं सोया, एक सेकेंड भी नहीं सोया। गाइस ब्रूनो ने बूजो को देख लिया और अब इसको आवाज़ आ रही है ऊपर से, और एक पागल हो रहा है, ये देखो 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 क्या हुआ क्या हुआ, हाँ जाओ जाओ जाओ, मेरे को आई तो नीचे ही बिठाएगा पूरा दिन, देखो जरा जाओ ऊपर, चलो आओ ऊपर चले, हाँ 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 चलो
चल चलो हम आपके घर चलेंगे, अभी चलेंगे आपके घर चलेंगे, ठीक है चलेंगे अभी चलेंगे। बूजी कहाँ, यहीं पे क्या? जहाँ से उसकी आवाज आ रही है गाय की, देखिए। चलो बस गया गया बूजी, गया बूजी, गया बैठ जाओ। वेलकम बैक गाइज, आज वापस मैं अपने घर में, दोपहर के 3 बज रहे हैं और मेरा ब्लॉग अभी एडिट अपलोड आज कुछ नहीं हुआ। एक्चुअली उधर ना वाईफाई का प्रॉब्लम था, वाईफाई नहीं था, नेटवर्क नहीं आ रहा था, कुछ चल ही नहीं रहा था, तो इसीलिए ब्लॉग बन भी नहीं पाया, अपलोड भी नहीं हो पाया। ब्रूनो ने बहुत परेशान किया, आप देखो कैसे खुश हो गया अपने घर वापस आकर। तो परेशान इन द सेंस कि ऐसे उसे तंग नहीं किया मुझे, खाने पीने को लेकर भी खाना भी खा लिया आराम से, बट ऊपर नहीं आया। और आप बिलीव नहीं करोगे, रात को जब सारे सो गए तो मैं चुपचाप अपना सिराना लेके नीचे इसके पास आ गई, बेड़े में जहाँ पर ही घूम रहा था, और मैं इसके साथ ज़मीन पर ही सोई हूँ। तब जाके ये जो बिलौटा है ना मेरा, ये सोया है। इसको इतनी बेचैनी हो रही थी कि पता नहीं मुझे कहाँ लेकर आ गई, क्योंकि कभी निकला नहीं बाहर। फाइनली वी आर बैक एट अवर होम, और एक दिन का जो घूमना फिरना था बड़ा अच्छा रहा, सब कुछ बहुत बढ़िया रहा, खाया पिया आनंद लिया। तो अब बस आ गए हैं, तो अभी कुछ चाय वाय बनाती हूँ, मन करा कुछ ठंडा वंडा बना के पीने का, उसके बाद ब्लॉग करती हूँ एंड एडिट अपलोड। देखिए मैंने अपने लिए सत्तू खोला है और मैं ठंडा ठंडा 2 ग्लास ठंडे पानी में बना के पीऊँगी, मुझे गर्मी बहुत लग रही है, ठंडा ठंडा। गाइज ये देखिए, ये तो सत्तू मैंने आपको दिखा दिया, आरव का बर्थडे गिफ्ट था, मैंने उसको कुछ टाइम पहले ही मंगवा दिया, कुछ दिन पहले। आरव जरा एक एक करके दिखाना बेटा, ये है पहले, ये इसको क्या बोलते हैं, ट्राइपॉड। ये देखिए गाइज, ये आरव का ट्राइपॉड आया है, ये इसका बर्थडे गिफ्ट 15 दिन पहले ही आ गया, इसी महीने इसका बर्थडे है हमारे बच्चे का। और ये क्या आरव, ये है नी रैप्स, नी रैप्स। ये तो बड़े बड़े सारे रोल हैं इसके अंदर, वो ये इतना बड़ा नी रैप क्यों, बंदा लपेटा जाए पूरा इसमें, यहाँ से रैप होना शुरू होता है, यहाँ खत्म होता है। एक बार करके देखा कैसे होगा ये नी रैप, इसी बहाने मेरा ब्लॉग भी बन जाएगा। हाँ चल तब तक दिखा, मैं सत्तू पीती हूँ आराम से ठंडा ठंडा। गाइज ये देखिए नी रैप, क्या जबरदस्त। अरे ये अगर हमारे घुटने में दर्द हो तो हम बांध सकते हैं, हैं इतना अच्छा फोल्ड हो गया पूरा टाइट। ये क्या है, नॉर्मली करने में कुछ नहीं हो रहा, बंद भी नहीं हो रही टांगे, लेकिन जब वेट होता है ना तो उससे फायदा मिल जाता है। और क्या है, अच्छा एक दो, ये दो चीजें तेरी हो गई, और ये तेरा आ गया था बैग, ये इसका जिम बैग है। गाइज ये देखिए आरव का जिम बैग, ऐसे कौन सी कंपनी का, ये जैगर स्मिथ। ओहो और क्या था, ये तो पुराने से। और क्या आया था, नाउ व्हाट इज दिस, रिस्ट रैप। हाँ ये तो मुझे पता है रिस्ट रैप क्या होते हैं, हाथ में पहनने के लिए ना, कलाई में कोई इंजरी ना हो, कोई चोट ना लगे। सही है, बस अब तूने एक टी शर्ट लेनी है ना, और ऐसे थंब में अटकाते हैं इसको। देखो जरा क्या क्या चीजें चल पड़ी आजकल बाप रे, आजकल के तो 90s के जमाने से है, हम उससे पुराने जमाने के होंगे फिर, हमें पता ही नहीं है। ये भी 2-3 बार लपेटा जा रहा है पूरा हाथ में, है ना। चला आज तो तेरा जिम है नहीं, आज तो रेस्ट डे है, ऐसे ये बढ़िया बढ़िया बढ़िया। तो गाइस फाइनली बैक टू द होम, पर वहाँ जाकर भी बहुत अच्छा लगा था, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा था। तो अब मैं, अब आते ही मैंने गीज़र ऑन किया, क्योंकि टप नहीं है ना वहाँ पे, तो मैं सिकाई नहीं कर पाई थी, तो दर्द शुरू हो जाती है, तो बस अभी टप खोलूँगी, पानी गर्म हो रहा है, फिर थोड़ी सी सिकाई करके थोड़ी देर लेटूंगी, फिर जाऊंगी मेरी मदर इन लॉ के यहाँ। मम्मी का फ़ोन आया था कि शाम की चाय साथ में पीते हैं, आज ट्यूशन की छुट्टी है तेरी, मैंने कहा चलो ठीक है, तो शाम को जाऊंगी मम्मी के वहाँ। तो अब मैं कर रही हूँ ब्लॉग को एंड, फिर करूंगी एडिट, फिर करूंगी अपलोड, क्योंकि अब वाईफाई का प्रॉब्लम नहीं है तो सब कुछ हो जाएगा। तो मिलती हूँ आपसे आज ही के दिन थोड़ी देर बाद, हम लोग बाय बाय।